चमनिस्तान सूफिया के महकते फूल, तबकाए औलिया के सरदार हुजूर गौसुल आजम हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू मोहम्मद, नाम अब्दुल कादिर, जबकि मुहियुद्दीन, महबूबे सुबहानी, गौस आजम, गौस सकलिन वगैरह मशहूर अलकाबात हैं। लफ्ज गौस के लुगवी माना है फरियाद रस, यानी फरियाद को पहुँचने वाला। चूँकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह गरीबों, बेकसों और हाजतमंदों के मददगार हैं, इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को गौस आजम के खिताब से सरफराज किया गया। अकीदतमंद आपको पीरान पीर दस्तगीर के लकब से भी याद करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम कस्बे जीलान में हासिल की, फिर मजीद तालीम के लिए सन 488 हिजरी में बगदाद तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह लोगों को तफसीर, हदीस, फिक्र और दीगर उलूम समेत मुख्तलिफ किराअतों के साथ कुरान मजीद पढ़ाते थे। सरों से कदम आला तेरा। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान आज भी आपकी करोड़ों अकीदत मंदों और मुरीदों की तवज्जो का मरकज है कि जो कोई मुसीबत में मुझसे फरियाद करे या मुझको पुकारे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा, और जो कोई मेरे वसीले से अल्लाह पाक से अपनी हाजत तलब करेगा तो अल्लाह पाक उसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 11 रबीउल सानी 561 सने हिजरी में 91 बरस की उम्र में बगदाद शरीफ में इंतकाल फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह का मजार पुरनवार आज भी बगदाद मोहल्ला में मर जाए खलाइक है।